मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखते हैं अपने डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिनों में अपने डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, मेडिकल इमरजेंसी, किसने बंधक बनाया सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा, आज इलाज मुश्किल है कल अनाज मुश्किल न हो जाए। तीसरा, राज्य दर राज्य जर्जर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आंख मूंदे सरकार। चौथा, अब तो लॉकडाउन लगाकर मुफ्त राशन देने की ताकत भी नहीं। और पांचवा, इमारत स्टेडियम व स्टैचू में खोई मोदी सरकार, लापरवाह या नासमझ। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो के जरिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और मेडिकल व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की सुप्रीम कोर्ट खामोश है। मौजूदा वक्त में इस देश की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी उसको अपने अधिकारों के तहत काम करने से रोक रही है। मौजूदा वक्त में इस देश के लोगों के सामने, नागरिकों के सामने जो जीने के अधिकार के सवाल थे और जीने के अधिकार के सवाल के साथ चिकित्सीय अधिकार का भी बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, उस पर भी अगर हर कोई आंख मूंद लेगा तो इस देश में रास्ता बचेगा क्या? गंगाराम में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन अस्पताल, यह भी दिल्ली में आता है, यहां पर भी 20 लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी थी। या तो दिल्ली जैसी जगह में जो कि अस्पताल और मेडिकल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है, तो इस देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा यह शायद जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, अब प्लांट बनाए होत क्या। दूसरा, हमें जीने दो, सुनामी आने वाली है, ऑक्सीजन कब आएगी। तीसरा, कोरोना पर कोई नेशनल पॉलिसी है क्या। चौथा, बेड ऑक्सीजन के लिए किससे करें बात। और पांचवा, हमें सांस तो लेने दो, मजदूर जहां हैं वहां रहेंगे। कोरोना देश में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर मीडिया में डिबेट भी जरूरी है। संदीप चौधरी लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं और बीजेपी के नेता से सवाल भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। पैसा दे दिया, इन्होंने प्लांट नहीं लगाए, आप ये कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं बात उसकी नहीं कर रही संदीप। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा हर डिबेट में एक बात कहती हूँ कि कोरोना वायरस ना तो क्षेत्र देखता है, ना जाति धर्म, ना राजनीति। पैसे दिए गए क्या? पैसे देने की जिम्मेदारी, पैसे लगाना तो पीएम केयर फंड से थे, वो केंद्र सरकार को लगाने थे। राज्य सरकारों को क्या जमीन देनी थी? सिर्फ लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, इसने जो ऑनलाइन टेंडर दिए थे ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत फ्लोट किए गए थे, तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है ना? नहीं, जिम्मेवारी की जहां बात आती है तो अगर केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है तो राज्य सरकार से भी पूछना चाहिए ना। मैं तो तीन उदाहरण दे रही हूं, पूछूंगा, पहले केंद्र सरकार का तो जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने टेंडर ऑनलाइन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? केंद्र सरकार ने ये पैसे दिए थे? मुझे बोलने तो दीजिए। हां बोलिए। अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करेंगे रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, उखड़ती सांसें, ऑक्सीजन पॉलिटिक्स क्यों। दूसरा, क्या मेडिकल इमरजेंसी का वक्त आ गया है। तीसरा, आंदोलन बहाना, सीधा केंद्र निशाना। चौथा, राष्ट्र की कीमत पर राजनीति क्यों और कब तक। और पांचवा, अर्नब ने रामदेव से पूछे इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय। अर्नब ने वैसे तो काफी मुद्दों पर डिबेट की जैसे कि आपने देखा, खैर वे कोरोना के मुद्दे पर भी डिबेट कर रहे हैं। देखते हैं वे इस मुद्दे पर सवाल किससे कर रहे हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं। कोरोना देश में काल बनकर टूट गया है, इस महामारी से लड़ते लड़ते अस्पताल भी कम पड़ गए, सांसें उखड़ रही हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खाकर लोगों के मन में आज कई सवाल, लोग अपने वोट का हिसाब मांग रहे हैं दोस्तों, और क्यों ना मांगे, वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि जिन लोगों को जवाब देना है वो नेता सब एक दूसरे पर जवाब नहीं डाल रहे,
मैं ऐसे नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इसी दिन के लिए जनता ने आपको वोट दिया था? आज जनता एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन नेता करोड़ों पर सियासी तड़का लगा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करने वालों। अब बात करते हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, सांसों पर सियासत कब तक। दूसरा, कोरोना पर फटकार, एक्शन में आओ सरकार। तीसरा, कोरोना कर रहा बेहाल, बीमार है अस्पताल। चौथा, कोरोना से जंग जारी, सियासत पड़ी भारी। और पांचवा, कोरोना है वीर, लॉकडाउन का चलेगा तीर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देख अंजना ओम कश्यप ने इस मुद्दे पर डिबेट की और सरकार के नेताओं से सवाल भी किए। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। सवाल आज उस मेडिकल व्यवस्था पर है जो कोरोना के बीच देश में चरमराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच बैठकों के जरिए जो सियासी नमक लोगों के आप कह सकते हैं घाव पर छिड़का जा रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। अरविंद केजरीवाल ने बैठक के अंदर अपनी बात को सीधा टीवी पर लाइव कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति भी जताई और अब इस पूरे मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, जिसमें अब पीएम मीटिंग का वीडियो लीक होने पर योगी ने हमला किया है। केजरीवाल पर योगी ने निशाना साधा, अपनी नाकामी छिपा रहे अरविंद केजरीवाल। योगी ने कहा है दूसरे राज्यों पर गलत आरोप लगा रहे हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल देखिए, योगी आदित्यनाथ इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपी और हरियाणा, खास तौर पर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने तो सीधे नाम लिया था उत्तर प्रदेश का। आपने खुद ही देखा कि कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। गोदी मीडिया सवाल तो नहीं पूछता, ना ही अधिक जानकारी देता है, पर हम आप तक सही और अधिक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।